चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर उतर गया। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल को टकटकी लगाए देखती रही। लैंडर रोवर से युक्त लैंडर मॉड्यूल ने शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इस बीच ये भी जानने की उत्सुकता हो रही है कि आखिर भारत ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की। आइए जानते हैं उन 5 वजहों को जिनसे हमारा मिशन कामयाब रहा। 2019 के चंद्रयान 2 मिशन से सबक लिया। चंद्रयान 3 से पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करने वाला किसी भी देश का पहला अंतरिक्ष मिशन था। हालांकि चंद्रयान 2 मिशन का विक्रम लैंडर 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने मिशन से भी काफ़ी कुछ सीखा। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ कहते हैं 2019 का मिशन चंद्रयान 2 आंशिक सफल था, लेकिन इससे मिले अनुभव इसरो के चंद्रमा पर लैंडर उतारने के लिए नए प्रयास में काफ़ी उपयोगी साबित हुए। इसके तहत चंद्रयान 3 में कई बदलाव किए गए। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया। जिन वजहों से चंद्रयान 2 मिशन चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर पाया था उन पर फोकस किया गया। लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन लगाए गए। चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन लगे थे, जबकि इस बार भार कम करने के लिए चंद्रयान 3 में 4 इंजन लगाए गए। चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसीमिट्री के साथ 4 इंजन लगाए गए, जिसका उद्देश्य था कि वो चंद्रमा पर उतरने के सभी चरणों में अपनी ऊंचाई और अभिविन्यास को नियंत्रित कर सके। लैंडर के पांव पहले के मुकाबले मजबूत किए गए। चंद्रयान 3 में किसी भी अप्रत्याशित प्रभाव से निपटने के लिए पैरों को मजबूत किया गया। इसके साथ ही अधिक उपकरण, अपडेटेड सॉफ्टवेयर और एक बड़ा ईंधन टैंक लगाया गया। ऐसा इसलिए किया गया था यदि अंतिम मिनट में कोई बदलाव भी करना पड़ा तो ये उपकरण उस स्थिति में महत्वपूर्ण हो सके। लैंडिंग का क्षेत्रफल बढ़ाया गया। इसरो ने चंद्रयान 2 से सीखते हुए चंद्रयान 3 में व्यापक बदलाव किए। चंद्रयान 2 के उतरने के लिए जितना क्षेत्र निर्धारित किया गया था उसमें काफ़ी इजाफा किया गया। लैंडिंग के लिए लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तय किया गया। इसरो ने परीक्षण के दौरान ये तय किया था कि अगर लैंडिंग के लिए एक जगह सही नहीं लगी तो दूसरी जगह भी तैयार रहेगी। चंद्रयान 3 को टारगेट स्थल से आगे पीछे ले जाने की व्यवस्था की गई, 1 किलोमीटर के दायरे में उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सके इसे पहले ही तय किया गया। चंद्रयान 3 के लिए समतल जगह का चयन किया गया है। ऐसा इसलिए कि अगर उस वक्त कोई पदार्थ बीच राह में आया तो भी चंद्रयान का संतुलन नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।